हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ चने की दाल की रेसिपी। यह है चने की दाल। इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था तो ये फूल चुके हैं। और चने की दाल को मिक्सी बाउल में ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे ये 3-4 लहसुन की कलियाँ और 2-3 मिर्च। और साथ में ऐड करेंगे जीरा और बस इसको पानी थोड़ा सा डाल के ग्राइंड। तो मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और नमक। इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। मिक्सर बाउल में थोड़ा 2 चम्मच मैंने पेस्ट को छोड़ दिया है तो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और मिर्च, और साथ में ऐड करेंगे 1 प्याज। इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो डालेंगे इसमें तेल। तेल बहुत ज्यादा नहीं डालना है तो तेल को डाल दिया है 1 चम्मच जैसा। तो तेल को डाल दिया है, तेल को होने देंगे गरम। वो तेल गरम हो गया है तो डाल देंगे तेज पत्ता और ये एक स्टार वाला आता है ना वो मसाला, और एक दालचीनी। इसको भी पकने देंगे। तो तेल में मसाला पक चुका है तो ये जो मैंने ग्राइंड किया था ये डाल देंगे इसके अंदर। इसको मसाले में पकाएंगे। इसको 2 मिनट पकाते हुए हो चुका है तो अभी ऐड करेंगे यहीं पे कुछ मसाले। ये हल्दी, और धनिया पाउडर, और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले में ये सब ऐड कर दिए हैं। और ऐड करेंगे यहीं पे 1 टमाटर चॉप किया हुआ, यहीं पे डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। और साथ में डालेंगे नमक, टमाटर को पकाने के लिए नमक डाल देंगे। नमक को डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह की मैंने एक प्लेट ले ली है, आपके पास जैसा भी हो प्लेट अवेलेबल वैसा यूज कर सकते हैं। और इसमें कर लेंगे हल्का सा ऑयलिंग, ज्यादा ऑयलिंग नहीं करना है। तो बस ऑयलिंग करने के बाद जितना भी ये बैटर है इसको इसमें ऐड कर देना है। इसके अंदर डाल देंगे और इसको एकदम पतली सी लेयर जैसा फैला देना है, जितना फैल सके इसमें। तो इसमें अच्छे से मैं फैला दूंगी। तो मैंने ले ली एक कटोरी और इसके बीचों बीच में इसको डाल देंगे ऐसे, और कटोरी में डाल देंगे पानी। पानी को डाल दिया और ये प्लेट है ना इसको इसमें डाल देंगे यहाँ पे ऐसे, और कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। कवर कर देंगे इसको। दस मिनट में मसाले भी पक जाएंगे और ये भी पक जाएगा तो 10 मिनट के लिए। तो इसको चेक कर लेते हैं।
ये देखिए हो चुका है, इसको एक नाइफ की मदद से चेक कर लेंगे। देखिए पक चुका है ये, तो बस इसको निकालेंगे बाहर। तो मैंने वो जो कटोरी में गर्म पानी था इसे मैं ऐड कर दिया है, और ये देखिए टमाटर भी गल चुके हैं, तो बस अभी ऐड कर देंगे यहाँ पे गरम मसाला। एक चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है और डालेंगे इसमें थोड़ा सा और पानी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, और इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये ठंडा हो चुका है तो इसको कट कर लेंगे। बड़े आसानी से निकल जाता है। तो ये कट हो चुका है, देखिए ऐसे पीसेस में। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सब्जी में डाल सकते हैं, पर मैं इसको हल्का सैलो फ्राई करूंगी, थोड़ा सा क्रंची हो जाता है। तो पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत तेल नहीं डालेंगे, छोटे चम्मच जैसा एक चम्मच तेल डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें तेल। ये तेल डाल दिया है, इसको फैला लेंगे अच्छे से। एक एक करके डाल देंगे इसमें। मीडियम टू लो में इसको फ्राई करते हैं। ये एक तरफ का फ्राई हो चुका है, इसको पलट लेंगे। ये देखिए बस हल्का सा फ्राई करना है इसको, थोड़ा सा क्रंची हो जाए, तो बस इसको पलट लेंगे। बस ये फ्राई हो चुका है, देखिए गोल्डन कलर आ गया है, तो बस गैस को बंद कर देंगे। तो सब्जी को चेक कर लेते हैं, ये सब्जी पक चुकी है। तो ये है कसूरी मेथी, हल्का सा क्रश करके डाल देंगे इसके अंदर, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो डाल दिया है, अब चला लेंगे इसको। तो सब्जी में ऐड कर देंगे ये फ्राई किया हुआ, और इसको भी चला लेंगे। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाना है, 2 मिनट में पक जाएगा एकदम अच्छे से। तो बस यहीं पे डाल देंगे धनिया पत्ता, इसको 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो सब्जी पक चुकी है और गैस को कर देंगे बंद। सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।